टू TKS ऑनलाइन क्लासेस. आई एम योर मैथ टीचर मिस आमना, सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 5. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट माई लेक्चर आई वॉन्ट टू शेयर अ गुड मैसेज विद यू. स्टूडेंट, आज जुमे का दिन है तो मैं आपको जुमे के लिहाज से एक अच्छी हदीस सुनाती हूँ. जो शख्स एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है. ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ें. नाउ ओपन योर बुक्स, ओपन पेज नंबर 3. ओके स्टूडेंट, तो हम लोगों ने जो है लास्ट टाइम जो है एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट की थी, एक्सरसाइज 1A. सबसे पहले मैंने आपको जो है कॉपी का जो है अगेन समझा देती हूँ कि कॉपी में आपने काम किस तरीके से स्टार्ट करना है. सबसे पहले आपने 2 पेजेस छोड़ने हैं. 2 पेजेस छोड़ने के बाद जो है नेक्स्ट पेज पे आपने जो है लेसन समरी और यूनिट नेम लिखना है. ओके, फिर नेक्स्ट पेज से आपने एक्सरसाइज 1A स्टार्ट करना है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो है फिल द ब्लैंक्स आ रहे हैं. ठीक है, फिल द ब्लैंक जो है ओके स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 1A है, जिसका हम मैंने आपसे कल पूछा था. ठीक है, हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव हमारे हो गए थे, लेकिन एक मरतबा अगेन मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ. ठीक है, कि हमारे पास ये किस तरीके से करने हैं. सबसे पहले जो है नंबर ए है, इन द इंटरनेशनल सिस्टम 1 मिलियन इज अ डैश डिजिट नंबर. यानी हमारे पास जो है 1 मिलियन जहाँ पे आ रहा होता है, तो उसमें हमारे पास कितने डिजिट मौजूद होते हैं. यहाँ देखिए ऊपर जो इंटरनेशनल चार्ट जो है आपके पास गिवन है, इसमें देखते हैं कि हमारे पास नंबर 7 पे क्या नंबर जो है आ रहा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यानी हमारे पास 1 मिलियन पे हमारे पास जो है वो क्या आ रहा था, कितने डिजिट आ रहे थे, 7 डिजिट आ रहे थे. तो फर्स्ट वन का आंसर जो है वो 7 होगा, क्योंकि हमारे पास 1 बिलियन में 7 डिजिट आते हैं. अब हमारे पास नेक्स्ट जो है द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट. अच्छा, हमारे पास जो है सेकंड का आंसर जो मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है, अली अब्बास अपना माइक अनम्यूट करें. अली अब्बास अपना माइक अनम्यूट करें. यस मैम. सेकंड वाले का आंसर दे, सेकंड वन का आंसर क्या आएगा, द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इन दिस. ये फिगर गिवन है, यहाँ पे आपको 5 को रिंग किया हुआ है, तो यह हमारे पास जो है क्या आंसर आएगा इसका. फाइव की प्लेस वैल्यू बताएं मुझे, मेरी आवाज आ रही है आपको. यस मैम, अभी आ रही है. 5 मिलियन. ओके गुड, ठीक है. नाउ फातिमा अपना माइक अनम्यूट करें. फातिमा वकास अपना माइक अनम्यूट करें. मुसव्विर शाह अपना माइक अनम्यूट करें. मुसव्विर, ओके मुसव्विर, तो नंबर सी का आंसर करें मुझे. नंबर सी फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आंसर आएगा. हमारे पास फिगर्स गिवन है और इसके बीच में ब्लैंक गिवन है, तो कौन सा फिगर आएगा मैम नंबर सी में. जी हंड्रेड का डिफरेंस आ रहा है सब में. आपको क्वेश्चन की समझ आ रही है. समझ नहीं. ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ.
इसमें हमारे पास नंबर सी में आपको क्या हुआ, नंबर सी में आपको जो है फिगर गिवन है, ठीक है, 3503018 6, फिर है 100 के डिफरेंस के बाद फिर एक वर्ड जो है आपको फिगर गिवन है 3503028 6, यहाँ पे 186 था, फिर 286 हो गए, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 386 में आ रहा है, ओके, और लास्ट में 486, तो हमारा आंसर आ रहा है 3503038 6, यानी 100 का डिफरेंस बीच में शो हो रहा है। नाउ फातिमा वकास अपना माइक अनम्यूट करें। ओके फातिमा, तो नंबर डी का आंसर मुझे करें, द नंबर 50,000 मोर देन 2618 35। जी मैम, ये आप इसका मैम जी जी मैम, ये आप इस पेज का हमें स्क्रीनशॉट लेके भेज देंगी? जी मैं आपको सेंड कर दूंगी, लेकिन आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ है। ओके अपनी बुक में जो है आप, अपने बुक में जो है आप मेरे साथ जो है वो राइट करते जाएं, ओके, वन बाय वन जो मैं सॉल्व कर रही हूँ बुक पे सॉल्व करते जाएं, मैं आपको जो है पिक्चर लेके सेंड कर दूंगी। ओके मुझे आप मुझे आंसर करें, नंबर डी का आंसर करें मुझे आप। यहाँ पे हमारे पास एक फिगर गिवन है, फातिमा मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ओके अवैस अपना माइक अनम्यूट करें। अवैस अवैस अपना माइक अनम्यूट करें। ओके जमीला जमीला दाऊद आपने कोई क्वेश्चन पूछना है? यस मैम। जी मैम आप इसके स्क्रीनशॉट मैम सेंड कर दीजिए, मैंने कल भी नहीं किया। ओके ठीक है, मैं आपको पिक्चर लेकर सेंड कर दूंगी, लेकिन आप जो है साथ साथ जो मैं बोल रही हूँ उसको लिखते जाएं। मीरा आपका क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछे। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, आप एक दफा मुझे बता देंगे मैम, परसों आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं थी आ रही, उस वजह से मुझे समझ नहीं आई काम की, बस एक दफा शॉर्ट उसमें मैम बता दे। चैप्टर की समरी का बोल रही हैं जो मैम आप अभी पूछ रही हैं हमसे? अच्छा फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर रही हैं आप? जी ओके ठीक है, मैं आपको एकदम अगेन एक्सप्लेन कर दूंगी। ये 1 2 3 4 5 जो है अपना माइक अनम्यूट करें और काइंडली अपना नेम जो है वो चेंज कर लें। ओके 1 2 3 अपना जो है आपका नेम क्या है? ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास नेक्स्ट डी का आंसर जो है इमरान, अपना माइक अनम्यूट करें। ओके स्टूडेंट, जब मैं आपको माइक अनम्यूट करने का कहूँ तो काइंडली जल्दी जो है वो माइक अनम्यूट किया करें, क्योंकि फिर जो है टाइम वेस्ट होता है इस तरीके से। अच्छा देख चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर डी की तरफ।
द नंबर 50,000 मोर देन 2618355 00। अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे हमारे पास फिगर गिवन है तो हम लोगों ने क्या करना है, इसी फिगर के साथ ऐड कर लिया है 50,000। तो हमारे पास आंसर क्या रहा था, 2618855 00। सिंपल हम लोगों ने क्या किया हुआ, ऐड किया हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने इस नंबर के साथ यहाँ पे फिगर हमारे पास 2618355 00 ये नंबर गिवन है और इसके साथ हम लोगों ने 50,000 ऐड कर लेना है, ठीक है। 50,000 ऐड किया हमारे पास तो हमारे पास आंसर क्या आया, 0055888162। सिंपल ऐड किया हम लोगों ने तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये यानी 2618855 00। लास्ट वन है द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द नंबर 9813141100 इज। यहाँ पे कहते हैं कि ये फिगर आपके पास गिवन है और 9 की जो है वो प्लेस वैल्यू आपको बतानी है कि 9 जो है वो क्या आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो है काउंट करते हैं कितने डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट आ रहे हैं। तो 9 डिजिट में आपको पता है, ये देखिए 9 डिजिट में हमारे पास जो है वो कौन सी वैल्यू आती है, 100 मिलियन की आती है। तो इट मीन्स कि हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, 900 मिलियन आ रहा है, ठीक है, 900 मिलियन। मैं एक मतलब फिर जो है वो ऊपर वाले 3 ऑब्जेक्ट जो है वो समझा देती हूँ, क्योंकि हमारे पास एक स्टूडेंट है वो जो है कह रही थी कि मुझे अगेन ज़रा एक्सप्लेन कर दो। ओके, इन द इंटरनेशनल सिस्टम 1 मिलियन इज डैश डिजिट। इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे पास जब हमारे पास 1 मिलियन में कितने डिजिट होते हैं, 7 डिजिट होते हैं। तो इस वजह से इसका आंसर जो है वो 7 है। द प्लेस वैल्यू ऑफ अ रिंग डिजिट इन, यहाँ पे आपको एक फिगर गिवन है जिसमें हमारे पास 5 को जो है वो सर्कल किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास इस 4 से हम लोग बताएंगे, तो ठीक है। हमारे पास क्या आंसर इसका आ रहा था, 5 मिलियन इसका आंसर आ रहा था। फिर नंबर सी का आंसर जो है, आपको एक डिफरेंट फिगर गिवन है और हर एक फिगर जो है वो कितने डिस्टेंस पे, 100 फिगर के डिस्टेंस पे जो है वो पुट किए हैं। तो यहाँ पे देखिए रिमेनिंग जो अल्फा जो है डिजिट है वो सेम है, और जो लास्ट वन है इसमें हंड्रेड्स का डिफरेंट आ रहा है। 186 था, फिर 286 था, फिर मेरा आंसर 386 में आया था, और लास्ट में 486, बाकी रिमेनिंग सेम उसी तरह था। फिर जो है द नंबर 50,000 मोर, इसी नंबर को मैंने लेना था और इसको ऐड करना था किसके साथ, 50,000 के साथ, आई गेट द आंसर। ओके, फिर द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द नंबर 9813141100, इसकी 9 जो है इसकी प्लेस वैल्यू बताएं तो वो 900 मिलियन आ रही थी। नाउ आप क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स। फर्स्ट वन जो है, एज पर द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट 6198457086 इज रिटन एज 6198457086। यहाँ पे जो है आपको जो है एक नंबर गिवन है और यहाँ पे अगेन आपको जो है लिख कर दिया हुआ है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू की तरह, क्या जो है ये वैल्यू ठीक है या नहीं। ठीक है, हमारे पास जो है हमारा जो है यहाँ पे हमारे पास आंसर बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि इस फिगर को हम लोगों ने जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू की तरह लिखा है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हमारे पास जो है, मैं आपको यहाँ पे जो है रफली थोड़ा समझा देती हूँ। एक फिगर है 3198457086, मुझे इसका आंसर कौन देगा। ठीक है, मैं आपको जो है वो बताती हूँ कि
यहाँ पे आपको एक फिगर गिवन है जो आप जो आपने इंटरनेशनल प्लीज वैल्यू में जो है वो लिखना है, ठीक है। तो आप मुझे, मैं आपको एक स्टूडेंट हुरब अतीक अपना माइक अनम्यूट करें। हुरब अपना माइक अनम्यूट करें। यस मैम। ओके, यहाँ पे आपको एक फिगर गिवन है जिसको हम लोगों ने इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में जो है लिखना है। तो हम लोग इसका लिखने का तरीका बताएं, क्या आंसर आएगा इसका? हम लोग जो जी जिस तरह मैंने उस दिन आपको, आपकी आवाज की समझ नहीं आ रही। ओके, आप मुझे बताएं कि इसको हम लोग जब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में लिखेंगे, इस फिगर को किस तरीके से लिखेंगे, लिखने का तरीका बताएं। मैम राइट साइड से शुरू करेंगे। बिल्कुल, फिर स्पेस के थ्री नंबर्स के स्पेस है। गुड, ठीक है। थ्री फिगर लिखने के बाद जो है हम स्पेस छोड़ेंगे, फिर जो है थ्री डिजिट लिखेंगे, फिर उसके बाद थ्री डिजिट लिखेंगे और फिर एंड। ये वाला फिगर जो है सेम इसी तरह है, तो इट मींस ये जो है आंसर इसका ट्रू है। ओके गुड। जूनश अब्बास, जूनश अपना माइक अनम्यूट करें। अपना माइक अनम्यूट करें। ओके, नेक्स्ट जो है आप आंसर करें कि इसका क्या आंसर है। द नंबर 200 लेस देन 4269821 इज 4269280। क्या ये सही है या फॉल्स है? आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, रेहान अपना माइक अनम्यूट करें। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे सेकंड ऑब्जेक्ट का जो है आंसर करें कि हमारे पास एक फिगर गिवन है और उसमें हमें कह रहे हैं कि हम लोग उसमें से अगर 20 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमारे पास ये आता है। क्या ये सही है? फॉल्स मैम। यस फॉल्स, ठीक है। रीज़न इसकी ये है कि हम लोग जब इस फिगर में से हम लोग 200 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वाला आंसर हमारे पास नहीं आता। इट मीन्स इसका आंसर जो है वो फॉल्स आएगा। ओके, नंबर 4 है। अली अब्बास अपना माइक अनम्यूट करें। यस मैम। ओके, नंबर 3rd है। द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर इज 10 बिलियन। हमारे पास जो है कितने 9 डिजिट में सबसे छोटा जो है वो डिजिट वो 10 मिलियन क्या है? क्या ये ट्रू है या फॉल्स? ये क्यों फॉल्स है? क्या आप मुझे मैम, क्योंकि मैम 10 मिलियन
स्मॉल यूनिट स्मॉल है जी। देखिए हमारे ठीक है, हमारे पास जो है 9 डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 100 मिलियन में आते हैं, यहाँ पे इन लोगों ने जो है वो 10 मिलियन में लिखा हुआ है, तो इट मीन ये रॉन्ग है, ठीक है, इसका आंसर आएगा फॉल्स। इजी ट्विंकल, पहले तो आप अपने नेम जो है वो चेंज कर ले, ओके। अब हमारे पास जो है इसका आंसर करें मुझे, द वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इन दिस फिगर इज 100,000। अच्छा मैं आपको जो आप क्लास जो है वो आपकी ख़त्म हो गई, तो जल्दी से मैं आपको ये टू जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। द वैल्यू ऑफ रिंग डिजिट, हमारे पास जो रिंग है वो वन को जो है वो सर्कल किया हुआ है और इसका आंसर 100,000 है, तो ये बिल्कुल ठीक ये मेंशन, तो इट मीन्स ये ट्रू है। लास्ट वन है इन द इंटरनेशनल सिस्टम, ये फिगर आपके पास गिवन है और आपको यहाँ पे भी आपको रॉन्ग तरीके से जो है वो लिखा गया है, इट मीन्स इसका आंसर जो है वो फॉल्स आ रहा है। ओके स्टूडेंट, तो इसको जो है आपने बुक में राइट करना है, मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूँगी। ओके थैंक यू, हैव अ नाइस डे।